हर दोस्त यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से संबंधित। यहां बात करें पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर क्वेश्चन से। ये देखिए पहला सवाल बोलता है जो मैक्सिमम सीलिंग होगा लोन लिमिट पे जो कि सर्विस इंटरप्राइज है तो उसको क्या उसको प्राइवेट सेक्टर में आने के लिए कितना रुपए तक का लोन सैंक्शन आप कर सकते हो, क्या लोन नहीं लोन अमाउंट कितने रुपए तक आप सैंक्शन कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एग्रीगेट लिमिट अप टू रूपीज 5 करोड़ पर यूनिट। फिर बी ऑप्शन है मीडियम इंटरप्राइजेस अप टू रूपीज 10 करोड़ पर यूनिट। सी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस अप टू रूपीज 10 करोड़ पर यूनिट। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर आइए दूसरा सवाल देखिए, बोलता है कि द मीडियम इंटरप्राइजेस इन सर्विस सेक्टर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम इंटरप्राइज अगर वो सर्विस सेक्टर में है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसकी इक्विपमेंट पे। तो पहला ऑप्शन है आपको मोर देन रुपीज 10 लाख एंड अप टू रुपीज 500 लाख। बी ऑप्शन है आपका मोर देन रुपीज 200 लाख अप टू रुपीज 500 लाख। सी ऑप्शन है मोर देन रुपीज 25 लाख। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी मोर देन रुपीज 25 लाख। तीसरा सवाल देखिए, बोलते हैं द टाइम नॉर्म्स फॉर डिस्पोजल ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस प्रपोजल विच कम्स अंडर सर्कल ऑफिस पावर फॉर लोन अमाउंट अबव रुपीज 5 लाख एंड अप टू रुपीज 25 लाख इज। जो बोलते हैं टाइम नॉर्म है डिस्पोजल करने का जिसके हिसाब से आपको माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को डिस्पोज किया जाता है, अगर वो सर्कल ऑफिस में आता है तो लोन अमाउंट जो होगा 5 लाख रुपए से ज्यादा है अगर और 25 लाख रुपए से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना उसको वो मिलेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा वो पहला ऑप्शन है 2 वीक, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल ऑप्शन है जिसमें 30 दिनों का, सी ऑप्शन है आपका मीडियम 45 डेज होगा, डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम 8 वीक से, ई ऑप्शन है बी एंड सी अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ई बी एंड सी अबव। चौथा सवाल देखिए, द साइज ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड टू द यूनिट्स इन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर केवीआई कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ ऑपरेशन एंड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स इज। बोलते हैं जो साइज होता है लोन देने का एडवांस देने का जो कि ग्रांट किया जाता है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए वो प्राइवेट सेक्टर में आता है, भले ही उसका साइज ऑफ ऑपरेशन और अमाउंट जो होगा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का जो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में होगा वो कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रुपीज 25 लाख, दूसरा ऑप्शन है रुपीज 200 लाख, तीसरा ऑप्शन है रुपीज 500 लाख, चौथा ऑप्शन है रुपीज 1000 लाख, पांचवा ऑप्शन है नन नो एट ऑल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में नॉट नो लिमिट एट ऑल, ठीक है, कोई लिमिट इसमें सेट नहीं किया हुआ। पांचवा सवाल देखिए, लोन टू फूड्स एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, लोन टू फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स विथ इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू। बोलते हैं लोन जो आपको फूड और एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो मिलता है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी में होता है वो कितने रुपए तक का होना चाहिए ताकि आप उसको क्लासिफाई कर सके एमएससी में। पहला ऑप्शन है रुपीज 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन रुपीज 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन रुपीज 5 करोड़, चौथा ऑप्शन रुपीज 10 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है रुपीज नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी रुपीज 5 करोड़। छठा सवाल देखिए, द स्कीम विच इज लॉन्च्ड फॉर डेवलपिंग एंड रीफाइनेंसिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स एंड बीएफसीज एटसेट्रा फॉर लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस इज। बोलते जो स्कीम होता है जिसके तहत लॉन्च किया गया है जहां पे डेवलप करते हैं रीफाइनेंस करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, जैसे कि बैंक हो गया एनबीएफसी हो गया, जहां पे कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस को आप पैसा देते हैं या लेंड करते हैं तो किस स्कीम के तहत आप देते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहां पे आपका ए ऑप्शन है प्रधान जीव ज्योति बीमा योजना, फिर बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर आपका है प्रधानमंत्री जनधन योजना, डी ऑप्शन हो गया, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हिसाब से एमएसएमई को फाइनेंस किया जाता है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को फाइनेंस किया जाता है। सातवां सवाल देखिए, द टेनेबिलिटी फॉर नॉर्मल रिस्क रिलेटेड अकाउंट्स अंडर ओडी एमएसएमई इज। बोलता है जो टेनेबिलिटी जो टेन्योर पीरियड है नॉर्मल रिस्क रिलेटेड अकाउंट का जो ओडी में आप अकाउंट यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट है एमएसएमई को कितने महीने का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल। पहला ऑप्शन है 12 महीना, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है आपका 15 महीना, सी ऑप्शन है 18 महीना, डी ऑप्शन है 24 महीना, ई ऑप्शन है 36 महीना। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका
15 महीना, ठीक है। आठवां सवाल देखिए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन फॉर क्वासी इक्विटी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन फॉर क्वासी इक्विटी कैपिटल रिस्क कैपिटल स्कीम इज, वो क्या है। पहला ऑप्शन है कि जो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो लोन आप क्वासी इक्विटी यानी जो रिस्क कैपिटल को आप देते हैं स्कीम के तहत, तो उसमें क्या है। पहला ऑप्शन 10 लाख, दूसरा पहला ऑप्शन 10 लाख और 1 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा, दूसरा ऑप्शन 25 लाख और 5 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा, तीसरा ऑप्शन है रुपीज 25 लाख और 10 करोड़ ज्यादा ज्यादा, चौथा ऑप्शन रुपीज 10 लाख एंड 10 करोड़, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी रुपीज 25 लाख रुपीज 10 करोड़। नौवां क्वेश्चन आपका, इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन इन CGMSE द गारंटी कवर इज फॉर ए पीरियड ब्लॉक ऑफ, बोलता है अगर आपका जो लोन है, अगर आपका जो वर्किंग कैपिटल लोन है जो CGMSE में है जहां पे गारंटी कवर जो होता है पीरियड का ब्लॉक का, वो क्या है। पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा ऑप्शन है 4 साल, पांचवा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 5 साल, चौथा ऑप्शन है 10 साल, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यानी 5 साल। दसवां क्वेश्चन भाई, इन केस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज ऑफ रुपीज 5 लाख द मैक्सिमम गारंटी कवर इज ऑफ रुपीज इज डैश ऑफ रुपीज डिफॉल्ट अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, बोलता है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज जहां पे 5 लाख रुपए तक का जो मैक्सिमम गारंटी कवर होता है वो डिफॉल्ट अमाउंट का कितना प्रतिशत होता है और सब्जेक्ट होता है क्या मैक्सिमम अमाउंट होगा वो। तो पहला ऑप्शन है 75% और या फिर 4.5 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन 85% फॉर रुपीज 4.25 लाख, ए ऑप्शन क्या है 75% रुपीज 4.5 लाख, बी ऑप्शन है रुपीज 85% सॉरी बी ऑप्शन 85% रुपीज 4.25 लाख, सी ऑप्शन है 85% रुपीज 4.5 लाख, बी ऑप्शन है 75% रुपीज 4.25 लाख, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या बी 85% रुपीज 4.25 लाख। यहाँ पे एक मेगा ऑफर है और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। अगर हम लोग आपको यहाँ पे एक बैंक प्रमोशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारी की सारी कोर्सेज आपको ऑनलाइन मोड पे है, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। पीएनबी स्पेशल फेस टू फेस बैंक प्रमोशन कोर्स अगर करना चाहते हैं, इसका फेस टू फेस बैंक प्रमोशन वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो इसका दाम है 2000 रुपये। अगर आप जनरल बैंक प्रमोशन कोर्स करना चाहते हैं इन जनरल है वो, तो 600 रुपये का है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर लीजिए, फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudiomaterial.com पे और ईमेल आईडी हो गया सिडसेना123@gmail.com।